मनप्रीत सिंह ने दावा किया है कि कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में आने वाली FIH मेंस की सीरीज का फाइनल भारतीय टीम के लिए सबसे अधिक महत्व है। यह टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय टीम के लिए पहला कदम होगा। सर, स्ट्रेटजी यही है कि फंडा सेम ही है कि हाँ, कि अगर जीतेंगे तभी क्वालिफाई करेंगे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटी, जहां उन्होंने WA थंडरस्टिक्स और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच जीते, लेकिन सीनियर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। दौरे में टीम नए कोच ग्रैहम रीड के अंडर थी कि हमारा एक एक्सपीरियंस के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, क्योंकि हमारा अभी मेन जो है अभी यहाँ पे फाइनल सीरीज है जो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, हम तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा। वहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ें टेस्ट करनी थी, यंग टीम थी, उसमें काफ़ी प्लेयर नए थे, तो काफ़ी चीज़ें हमारे हक में गई। हमें जैसे अटैकिंग में कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डिफेंसिव में, तो एक जैसे कि सबको पता है ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी टीम है, तो ओवरऑल जो मैचेस है काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला वहाँ से हमें। तो यही है कि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो उसमें हम काम करेंगे, और डिफेंसिव जैसे नया कोच है हमारे साथ तो उसको भी काफ़ी चीज़ें देखनी थी टीम में, तो वो काफ़ी कुछ खुश है हमारी टीम से, है ना, अटैकिंग की वजह से, तो उस पर काम करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और फाइनल सीरीज के लिए रेडी होंगे। राष्ट्रीय शिविर सोमवार को 32 संभावितों के साथ शुरू होगा। हाँ सर, अभी कैंप लगेगा, यहाँ पे ट्रेनिंग है तो प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को फिट करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए तो काफ़ी वहाँ पे ठंड थी, तो अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए उसको अडॉप्ट करेंगे और अपने आप को पूरा रेडी करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस के बारे में बात करते हुए मनप्रीत ने कहा, नहीं देखा जाए तो अगर फिटनेस की बात की जाए तो फिटनेस काफ़ी इम्प्रूव है हॉकी अपने इंडियन टीम की। तो पहले होता था कि यहाँ की फिटनेस बहुत, पहले बोलते कि यहाँ फिटनेस अच्छा नहीं है, बट लास्ट काफ़ी सालों से फिटनेस है बहुत अच्छी हो रही है हमारी।